भाकपा माले नेता राजेश कुमार यादव तथा राजेश सिन्हा की अगुवाई में शुक्रवार को बनियाडीह इलाके में एमपीएल कोयला उठाव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। यहां बड़ी तादाद में स्थानीय लोगों ने हाथों में लाल झंडा लिए एमपीएल कोयला उठाव के खिलाफ ओपन कास्ट के समक्ष चल रहे धरना में शामिल होकर आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि एमपीएल द्वारा मौजूदा घोषित तरीके से कोयला उठाव किए जाने से स्थानीय लोगों की रोजी रोटी मारी जाएगी, इसलिए एमपीएल को यदि कोयला भेजना ही है तो माल गाड़ियों से भेजी जाए, जबकि लोकल सेल को भी समानांतर रूप से चालू कर स्थानीय लोगों के रोजगार की गारंटी की जाए। कहा कि लोग अपने रोजी रोजगार की कुर्बानी देकर एमपीएल का कोयला उठाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर हाल में लोकल सेल चालू करना होगा। ट्रकों के माध्यम से कोयला भेजने से स्थानीय सैकड़ों हजारों लोगों की रोजी रोटी का जुगाड़ होता है। इन्होंने इस आंदोलन को और भी मजबूती से आगे बढ़ाने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि माले विधायक विनोद सिंह तथा पूर्व विधायक राजकुमार यादव भी जल्द इस आंदोलन में शिरकत करेंगे। मौके पर अन्य लोगों के अलावे ट्रक ऑनर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष कंपू यादव, कमल चंद साहू, राजेंद्र यादव, राजेश कुमार यादव, कन्हैया सिंह, दिलचंद तूरी, धनराज दास, मनोज हंसा, कादिर अंसारी, प्रधान टुडू, मुन्ना सिंह, सुरेश साहू, अली हुसैन, मोहम्मद असलम, मुबारक समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। गरीब मजदूरों पर पुलिस का जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गरीब मजदूरों पर पुलिस का जुल्म। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपना माले जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोयला जाता है वो यहाँ पर रोड सेल में स्थानीय जो लोडिंग का काम होता है उसमें यहाँ के मजदूरों को काम देना होगा। इस तरह के मांग को लेकर के हमारी पार्टी इस आंदोलन में कूद चुकी है। हजारों लोग यहाँ सीसीएल क्षेत्र में रहने वाले बेरोजगार हैं और इनको हर हाल में रोजगार यहाँ का सीसीएल में व्यवस्था करना होगा। दूसरी बात है कि जो गरीब लोग कोयला पर निर्भर हैं, ये लोगों को पुलिस प्राय तंग करती है। टोकरी दो टोकरी कोयला लेकर जहाँ तहाँ बेचने वाले, उनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है और ऐसे लोगों को भी पुलिस प्रशासन परेशान करती है। हम इन तमाम चीजों को लेकर के आंदोलन में उतरे हैं और हर हाल में हम यहाँ के गरीबों के हक में लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी पूरा डिटेल्स में बताएं। और यहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है वो ऐसी बनी हुई है कि सीसीएल जो अब कोयले को वो एमपीएल को दे रही है, और इसके पहले मैं बता दूं कि एमपीएल का ये जो मामला है वो केंद्र सरकार का मामला है। केंद्र सरकार के जरिए ये काम हो रहा है, यानी कि जनता को एक तरह से बरगला के वोट लेती है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पर। और जो बेरोज़गार होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो किसी प्रकार से अपना घर चलाते हैं, उनके साथ ये छल प्रपंच करते हैं। इनका इतिहास भी रहा है।